ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान भाई, आज हमने स्टार्ट करना है एक ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर एनपीपी का, ठीक है जी। और आज हमने इसमें इसकी बेसिक्स भी देखनी है और एट द सेम टाइम हमने अपने लेवल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है ताकि हम केसेस देख सकें। अच्छा देखो, एक चीज ध्यान में रखना, इस लेवल के ऊपर ना एनपीवी कैलकुलेट करना इतना रेलेवेंट नहीं है कि आपको एनपीवी कैलकुलेट करना आती या नहीं आती, उसकी टेक्निक्स आती या नहीं आती। सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको जो एग्जाम में सवाल मिलेगा ना, वो केस पिक करना आपको आना चाहिए कि मुझे कौन कौन से कैश फ्लोज लेने, कौन से इग्नोर करने, ठीक है जी। सारा गेम इसी में छुपा हुआ है। यानी जैसे कैश में वो टेस्ट करता है, वो ये चीज आपकी चेक करता है कि इन्फ्लेशन लगाने आता है या नहीं आता है इसको, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता है इसको, प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता, इस तरह की चीजें देख रहा होता है। लेकिन जब वो सीए फाइनल में आता है तो एनपीवी का पूरा कॉन्सेप्ट इस चीज के ऊपर लेके चल रहा होता है कि जनाब मैं आपको जो सिनेरियो दूंगा उसमें आपने रेलेवेंट कैश फ्लोस पिक करने, ठीक है जी। कभी वो आपको सिनेरियो देगा कि भाई एक मशीन ऑलरेडी है हमारे पास, एक नई मशीन आ रही है, ठीक है, ये इसको रिप्लेस करेगी, इस नई मशीन के रिप्लेस करने से हमारी सेल्स बढ़ जाएगी, 2 लाख की 3 लाख हो जाएगी, तो इसका मतलब है इस मशीन की वजह से हमारी सेल जो बड़ी है सिर्फ वही कैश फ्लोज आपने लेने। कभी वो कहेगा एक प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया है, 3 साल हो चुके हैं, उसको 6 साल पे जाने दें, खत्म करें 6 सालों में, या उसको आज ही बंद कर दें। कभी वो आपसे कहेगा कि जी एक एयरलाइन है, उसको प्राइवेटाइज होना है, ठीक है जी। प्राइवेटाइज किस चीज के लिए होना है कि सर वो लॉस मेकिंग है, तो क्या उसको प्राइवेटाइज किया जाए नहीं किया जाए। फिर वो आपसे कहेगा एक एयरलाइन है, उसमें कुछ कोर ऑपरेशंस है, ठीक है जी, उसको तो हम आउटसोर्स नहीं कर सकते, वो स्टेट ओन्ड है। जो नॉन कोर ऑपरेशंस हैं उनको आउटसोर्स करने का सोच रहे हैं, तो बताएं आउटसोर्स करें या ना करें। फिर वो आपको कहेगा जी हम एक चीज इंपोर्ट करते थे, सोच रहे हैं मुल्क में बनाना शुरू कर दें। तो सर आपने हर एक केस के कैश फ्लोज निकालने हैं, वो रेलेवेंट है। एनपीवी का क्वेश्चन हिस्टोरिकली एज लो एज 10 मार्क्स और एज हाई एज 27 मार्क्स भी आ चुका है, 27 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ चुका है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि हम आज की क्लास लगाएंगे जिसमें हम कुछ कैश फ्लोज की टेक्निक्स पढ़ेंगे, डिस्काउंटिंग की चीजें देखेंगे, लेकिन फ्रॉम दिस पॉइंट इन टाइम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर एक केस को, मैं कोई 20-22 केसेस आपको कराऊंगा, हर एक केस को आपने करना ही, जब वो हम क्लास में उस पर सवाल कर लें तो आपने उसकी एक समरी बना लेनी है कि जी मिसाल के तौर पर मेरे पास डिफरेंशियल कैश फ्लोज कब लेना है, ठीक है जी। मेरे पास सर जब बिजनेस क्लोजर का डिसीजन आएगा तो वो मैंने एनपीवी से कैसे लेना है, या सर मेरे पास जो लीज के डिसीजन आएंगे वो मैंने कैसे लेना है, सर मेरे पास फाइनेंसिंग डिसीजन जो आएंगे वो मैंने कैसे लेना है। तो हर एक केस के नीचे मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि एक समरी लिखवा दिया करूं, ठीक है जी, ताकि आपको जब उस तरह का केस सामने आए, कन्फ्रंट करो, तो आप उसको मैनेज कर लो, ठीक है जी। अच्छा दूसरी चीज ये भी याद रखना कि यहाँ एनपीवी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की नहीं होती है, वो आपसे एनपीवी कैलकुलेट करवाता है जनाब हॉस्पिटल्स की, कभी कभी होटल्स की करवाता है, ठीक है जी, उसमें प्रोबेबिलिटी भी लग रही होती है, ठीक है जी, उसके अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी लग रही होती है। तो एक लंबी चौड़ी चीज है इसके अंदर। अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने हर केस को ऐसे लेना है जैसे एक प्रोजेक्ट है ये, ठीक है जी, और हमने उसको आइंदा के बाद अगर इस तरह का प्रोजेक्ट देखना है तो हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना, ठीक है जी। सर पिछले 20 साल के पास पेपर्स आप उठाएंगे ना, आपको एक सवाल भी ऐसा नजर नहीं आएगा एनपीवी का जो आपको लगता होगा यार इस जैसा केस पहले आ चुका है, ऐसा है। तो जितने ज्यादा केसेस करेंगे एटलीस्ट हमें एक आइडिया हो जाएगा कि एक नए टाइप के केस को कैसे हैंडल करना है, ठीक है जी। 2 टॉपिक के अंदर लोगों को हमेशा ये इशू रहता है, एक एनपीवी के अंदर, एक मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर, ठीक है जी। उसमें हर दफा एक नया केस होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसको हम अच्छे से कवर कर सकें, ठीक है जी। अच्छा जी देखो, मैं बिल्कुल एक बेसिक छोटे से नन्हे मुन्ने सवाल से स्टार्ट लूं, या इससे बेहतर है कि मैं आपको एक अच्छा सवाल करा दूं पहले, है? क्या करें, किया जाए, 2 रुपए वाला सवाल नहीं करते, ठीक है, एक अच्छा सवाल कर दूं, आपका टाइम भी कीमती है और मैं अपने लिए समझता हूं कि आपका टाइम जाया नहीं करवाना चाहिए। आए दोस्त, एनपीवी में कैलकुलेट करना आता है? वीडियो शेयर्ड है बेटा मेरी, वीडियो शेयर्ड है उस्मान, वीडियो शेयर हुई भी मेरी। हाँ जरा दोस्त, ये कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट इन विच द कंपनी विल बी प्रोड्यूसिंग क्रिकेट बॉल्स फॉर द नेक्स्ट 4 PSL सीजन, अगले 4 सीजन के लिए हमने बॉल्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है,
डिटेल्स ऑफ द कैश फ्लोज आ रहा है अंडर। सिंगा जी, एक मशीन हम खरीदेंगे 5 लाख रुपए की, विच विल नीड ओवरहॉलिंग ऑफ रुपीज 90,000 एट द एंड ऑफ ईयर 2, जिसपे ओवरहॉलिंग कॉस्ट आएगी कितनी, 90,000 की। एक बात बताओ, टैक्स वाले की नजर में ओवरहॉलिंग एक्सपेंडिचर उसी साल एक्सपेंस आउट हो जाता है या ओवरहॉलिंग ही काउंट होता है वो? जी याद रखिएगा, जब भी ओवरहॉलिंग होगी आप उसको टैक्स वाले की नजर में भी ओवरहॉलिंग ही ट्रीट करोगे, यानी कैपिटलाइज करोगे, ठीक है जी, और उसको ओवर द रिमेनिंग पीरियड आप उसको डेप्रिशिएट करोगे। डन। फिर कह रहे जनाब, सेल्स वॉल्यूम एंड प्राइसेस आर एज अंडर। सर, पहले साल 60 मैच होंगे पीएसएल में, जिसमें से 40 डे नाइट होंगे, ठीक है जी। एक बॉल हम स्टैंडर्ड प्राइस 800 रुपए की बेचेंगे, एक बॉल, ठीक है। अच्छा, फिर इन ईच मैच 4 बॉल्स विल बी यूज्ड। हर मैच में कितने बॉल्स यूज होंगे? 4 बॉल्स यूज। फिर वगैरह जनाब, स्लाइटली लाइट वेट बॉल विल बी यूज्ड इन अ डे नाइट गेम, जिसकी कॉस्ट 5% कम होगी, ठीक है जी, लेकिन हम ये 10% ज्यादा प्राइस पे बेचेंगे। और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 200। एक बॉल कितने की आएगी, बनेगी कितने की? 200 की। बेचेंगे कितने की? 800 रुपए की, 900 रुपए की, 1050 की और 1200 रुपए की, ठीक है। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन इज 40,000, ठीक है। फिर वो कह रहे जनाब, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख रुपए की जो वैल्यू है पुरानी, जो हमने मशीन की वैल्यू थी ओवरऑलिंग सब कुछ मिला जुला के एंड में कितने की बिक जाएगी? 1.5 लाख की। फिर वो कह रहे जनाब, द कंपनी हैज ऑलरेडी पेड 80,000 रुपीज फॉर द टेंडर एंड ब्रोकरेज टू अ ब्रोकर। अच्छा, यहाँ सुनो 2 मिनट। देखो, जिस पॉइंट पे तुम डिसीजन ले रहे हो ना, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ डिसीजन। ये हमारे पास है फ्यूचर, ये हमारे पास है पास्ट, ऐसा ये 3 पॉइंट्स हैं। सर, बाज औकात कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले इनकर हो जाते हैं, ठीक है जी, जैसे फिजिबिलिटी स्टडी करना, जैसे कोई ब्रोकरेज पे कर देना, टेंडर फी जमा कराना। अब अगर तुम इस पॉइंट पे बैठे हुए हो, तुम डिसीजन हाँ में लो या ना में लो, ये पैसे डूब गए, ये पैसे डूब चुके हैं जो ऑलरेडी तुम इनकर कर चुके हो, ऐसा। तो इसका मतलब है मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए ये रेलेवेंट नहीं है, मैं इनको अपने डिसीजन में कंसिडर नहीं करूंगा। क्यों भाई? आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करो या ना करो, ये पैसे गए, डूब गए, तो अब आपको सर इसको डिसीजन में इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए, अनलेस कि वो तुमसे कहे कि जी अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया तो कुछ पैसे वापस मिल जाएंगे, और अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक बंदे को सर ब्रोकरेज पे की 70,000 रुपए की। उस बंदे ने कहा इंशाल्लाह मैं आपको प्रोजेक्ट दिलवा के रहूंगा, ठीक है, अगर नहीं मिला तो 20,000 आपको वापस दे दूंगा। अब बताओ सर, प्रोजेक्ट हमें मिला, अभी हम सोच रहे, अच्छा उससे कहा प्रोजेक्ट शुरू करोगे तो 20,000 एक्स्ट्रा दे देना, नहीं करोगे तो 70 में से 50 मैं रख लूंगा, 20 आपको वापस दे दूंगा। मुझे बताओ क्या इसमें से 20,000 रुपए के कैश फ्लोस को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? हाँ, इसमें से 20,000 रुपए के कैश फ्लोस को मैं कंट्रोल करता हूँ। कैसे कैसे कंट्रोल करता हूँ? क्योंकि सर अगर मैं प्रोजेक्ट शुरू करूंगा तो मुझे ये पैसे मेरे जेब से जाएंगे, नहीं शुरू होगा तो पैसे क्या होंगे, वापस आ जाएंगे। तो सर मेरे लिए रेलेवेंट कैश फ्लोस कितने होंगे? सिर्फ 20,000। डन। अच्छा जी, अब यहाँ कुछ ऐसा ही है कि हमने सर 1.5 लाख रुपए की, सॉरी 80,000 रुपए की हमने क्या पे की है? टेंडर और ब्रोकरेज फी पे की है। इसमें से 20,000 will be refunded by the broker if the company does not go ahead with the project. तो हमारे लिए relevant कितने होगा इसमें सर? 20,000 रुपए। Depreciation tax law के हिसाब से straight line basis पे है, ठीक है जी। Tax rate हमारा 30% है और उसी साल payable है जिस साल से pertain करता है, ठीक है जी। Discount rate हमारे पास 10% है। अब बताओ मैं इसकी NPV खुद calculate करवाऊं या आपको मैं एक चौका लगाने दो पहले, हैं? चलो 5-6 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप बस, ये टोटल सवाल है। हैं? नहीं नहीं लिखा हुआ ना, डे नाइट मैचेस लिखे हैं, मैचेस के अंदर डे नाइट हो गया। कराऊं मैं इसको, साथ साथ कर लेते ना।
क्या बोलते हो, साथ साथ कर लें? अच्छा चलो देख लो, उसको मैं कराना शुरू करता हूँ, आप लोग साथ साथ कर लेता हूँ उसको, ठीक है? देखो मुझे बताओ, उस प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है? 0, 1, 2, 3 और 4. अच्छा याद रखो, जब भी सवाल में टैक्स गिवेन हो आपको सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सवाल में जब भी टैक्स रेट गिवेन हो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने कैश फ्लो पे आना। तो बताओ अगर मैं सर सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए देखूं तो मेरे पास सेल्स कितनी है? सर देखिए मेरे पास ईयर वन में सर 20 मैचेज होंगे नॉर्मल, ठीक है जी, और सर मेरे पास 40 मैचेज होंगे डे नाइट। ये क्यों? टोटल 60 में से 40 मैचेज ऐसे हैं जो डे नाइट होंगे। अच्छा 20 मैचेस पे 4 बॉल्स लगेंगी, ठीक है जी। सर 40 मैचेस पे भी 4 बॉल्स लगेंगी, ठीक है। अच्छा सर मेरे पास एक एक मैच की 800 रुपए जो है वो एक बॉल की सेलिंग प्राइस है। सर जब डे नाइट मैच होगा तो हम 10% ज्यादा चार्ज करेंगे प्राइस, यानी 800 × 1.1। तो मुझे बताओ सर मेरे पास सेल्स इसकी ये कितनी और ये कितनी है? ऊपर वाली 64,000, 140,800 कितना? 204,800। ये मेरे पास आ गई पहले साल की सेल्स सर, ये मैंने इनकॉर्पोरेट कर दी सर सेल्स में। सेल्स 204,800 सर, मैं पहले प्रॉफिट निकालूंगा उस पर टैक्स लगाऊंगा, देन फिर मैं जो है वो ओरिजिनल कैश फ्लोस के ऊपर जाऊंगा। जब भी सवाल में टैक्स रेट गिवन हो आपने सबसे पहले ये काम करना है। सर ईयर वन मैंने कवर किया, सर मैं ईयर टू पे जा रहा हूँ। सर ईयर टू में से 70 मैचेस टोटल हैं, जिसमें से 20 नॉर्मल मैचेस हैं, 50 डे नाइट के, ठीक है जी। सारों पे 4-4 बॉलें लगेंगी। सर एक बॉल का रेट इधर 900 है, इधर 900 है, लेकिन 1.1 10% एक्स्ट्रा कितना? ऊपर वाले का 1,80,000, नीचे वाले का 1,80,000 और ऊपर वाला 72,000। तो मुझे बताओ मेरे पास सर सेकंड ईयर की सेल्स कितनी है? 250, ठीक है जी मेरे बच्चों, 252,000 की सेल्स आ गई। सर ये मैंने डाल दी सेकंड ईयर में, 252,000 रुपए की सेल्स। फिर सर थर्ड ईयर पे मैं जाता हूँ जनाब। सर थर्ड ईयर में मेरे पास जो सेल्स होती है ईयर थ्री पे वो आती है सर 78 में से 52 मैचेस ऐसे हैं जो डे नाइट हैं। तो 26 मैचेस डे में मैचेस हैं सर, 52 मैचेस डे नाइट हैं। सर नॉर्मल 4 बॉलें लगती हर मैच में। सर एक बॉल इधर 1,050 की आएगी, इधर भी 1,050 की आती, लेकिन यहाँ 10% ज्यादा रेट है। कितना इधर? दो चालीस ऐसा। कौन सा वाला? 198 है, ये गलत था। और टोटल 270। यार तो तुम लोग ऑनलाइन वालों क्या कर रहे हो, जवाब एक गलत आया तो तुम लोग ने जाने दिया उसको। दो सत्तर। अब थर्ड ईयर सर, सर 349,440 सर, इसको मैं यहां इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। थर्ड ईयर की सेल्स 349,440 सर। फोर्थ ईयर की सेल्स सर, सर 85 मैचेस हैं, 55 डे नाइट है। सर मेरे पास 30 मैचेस जो हैं वो क्या होंगे? डे मैचेस होंगे ऐसा। ईयर फोर 30 मैचेस डे मैचेस हैं, 55 डे नाइट है, ठीक है जी। टोटल 85 मैचेस होंगे, 4-4 बॉलें हैं। सर 1200 रुपए का रेट ऊपर है, 1200 रुपए का रेट नीचे रख रहा हूं, लेकिन 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सर कितना आएगा इधर? 144,000, 290,400 टोटल 434। ये आगे सर मेरे पास फोर्थ ईयर की सेल्स 434,400 सर। मेरे पास पहले साल की सेल्स कम इसलिए कि एक तो नंबर ऑफ मैचेस कम है और ऊपर से बॉल का रेट भी कम है, और सर सेकंड ईयर में ऐसे नंबर ऑफ मैचेस भी बढ़ रहे हैं और सेलिंग प्राइस भी बढ़ रही है, तो हमारी सेल्स ओवर द पीरियड इंक्रीज हो रही है। 4 साल का प्रोजेक्ट है सर। अब बताएं 4 साल के बाद, सॉरी फर्दर कोई सेल्स नहीं है,
वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालना कंपैरेटिवली आसान है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में मामला ये है कि 200 रुपए का रेट हर जगह पे, ठीक है जी। निकालना तो खैर ये भी उतना ही लेंदी है सर। मुझे बताएं सर, अगर मैं ईयर वन पे निकालूं हिसाब किताब तो क्या आएगा सर? बताएं सर मैचेस कितने हैं मेरे पास? 60 और 40, 20 और 40, 20 नॉर्मल, 40 डे नाइट, ठीक है जी। फिर अगले साल 20 और 50, सर ईयर थ्री 26 और 52, 78 मैचेस हैं टोटल, 26 नॉर्मल 52 ये, ठीक है। ईयर फोर 37 नॉर्मल 55 डे नाइट, सर हर मैच में 4 बॉल्स लगेंगे, हर एक का रेट 200 रुपए है, लेकिन यहां 5% कम तो 95%, इधर 200, इधर 200 इंटू 95%, इधर 200, इधर 200 का 95%, 5 रुपए कम, मुझे पता क्या आ रही है, 11-16 हजार, फिर ये 30,400, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 46,400, इधर 16,000 ऊपर वाला, फिर 39,520, इधर सर 41 टोटल, आप बताइए आगे सर मेरी वेरिएबल कॉस्ट, इसको मैं इनकॉर्पोरेट कर दूं कितना जी? 40,000, 46,400 सर, इधर 54,000 सर, इस जगह पे 60,320 सर, इधर 65,800 सर, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, फिर मेरे बच्चों इसके बाद और क्या सर मेरे पास? इसके बाद सर सेकंड सेल्स हो गई सर, वेरिएबल कॉस्ट हो गई, फिक्स कॉस्ट वगैरह 40,000 रुपए पर एनम, ये मैं यहां डाल रहा हूं जी, 40,000 रुपए पर एनम, ऐसा जी, ऐसा ही है। अब इसके अलावा और कोई एक्सपेंस? और कोई एक्सपेंस सर? और कोई एक्सपेंस मेरे बच्चों? जी सर, मेरे पास डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कितना सर? डेप्रिसिएशन कितना सर? मेरे पास डेप्रिसिएशन है कितना जी? बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सर मेरे पास 1.5 लाख रुपए का एसेट था, 5 लाख रुपए का एसेट था, ठीक है जी। सर एंड में कितने का बिकेगा? 1.5 लाख का। सर टोटल लाइफ कितनी है? 4। हम यही एस्टिमेट लेके चले तो मुझे बताओ मेरे पास पहले साल का डेप्रिसिएशन, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना? 87,500 सर, 87,500 यहां भी डेप्रिशिएट हुआ, 87,500 यहां भी डेप्रिशिएट हुआ। अब ओवरहॉलिंग कितने की हुई है? 90,000 की। तो इसका मतलब है ईयर 3 और 4 में हमारा डेप्रिसिएशन 90,000 डिवाइड बाय 2, ये फर्दर इंक्रीज होगा, दैट इज 45,000। तो सर हमारा ईयर 3 और 4 का डेप्रिसिएशन बढ़ के कितना हो जाएगा? 1,32,500, ये मैंने ले लिया सर 1,32,500, ये मैंने ले लिया 1,32,500 सर, ये मेरे पास आ गया डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। सर वसूलन डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 5 लाख रुपए का एसेट है, 90,000 आपने उस पर और खर्च कर दिए, ऐसा, और सर एंड पे आके ये 1.5 लाख का बिका, तो बताओ टोटल कितने रुपए का एसेट घिस गया? कितने रुपए का एसेट टोटल कंज्यूम हुआ?
अब अगर टोटल डेप्रिसिएशन मिला के 440 बनता है, 1 2 3 4 440 बन रहे, देखो तो चेक करो बन रहे, इसका मतलब सर हमने मामला बिल्कुल सही किया। अच्छा डेप्रिसिएशन हो गया सर, फिर इसके बाद हमारे पास एक और एक्सपेंस है, वो क्या है सर? ब्रोकरेज। अब मसला ये, ब्रोकरेज मैंने पे किया होगा ईयर जीरो पे, आप इसको टैक्स पर्पसेस के लिए ईयर वन में काउंट करोगे। याद रखना, अगर कोई एडवांस आपने पे किया हुआ है, एक्सपेंस पे किया हुआ है साल के शुरू में, लेकिन आपने रिटर्न फाइल करना है साल के एंड पे, तो बताओ मैं क्या करूंगा? मैं इसको पहले साल के एंड पे लूंगा 20,000, जो संग कॉस्ट है ना वो लेना, ना उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन लेना। डन? जो संग कॉस्ट है ना वो लेनी है, ना उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन लेनी है। और कुछ है? नहीं सर, और कुछ भी नहीं है। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, मेरा प्रॉफिट कितना है? 10,900 रुपए। इधर 88, 116,620 लास्ट ईयर। देखो मैंने ब्रोकरेज वाला पॉइंट ये बताया सिबगा, कि जब आप एक खर्चा पे करते हो ना डिसीजन लेने से पहले, तो आप डिसीजन कुछ भी ले लो, अब वो पैसे डूब गए। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक फिजिबिलिटी स्टडी करवाई कि हम लाहौर में कॉलेज खोलें या ना खोलें, तो हमने उसकी फिजिबिलिटी के ऊपर 5,00,000 रुपए दे दिए। अब आज हम टेबल पे बैठ के डिसाइड करें कि हम लाहौर में कॉलेज खोलें या ना खोलें, लेकिन वो पैसे डूब चुके हैं, अब मेरे लिए वो रेलेवेंट नहीं है। चाहे मैं कॉलेज खोलने जाऊं, वो पैसे तब भी जा चुके हैं, और अगर मैं ना भी खोलूं तो पैसे तब भी जा चुके हैं। तो मेरे डिसीजन की वजह से उस अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी कॉज जो डिसीजन की वजह से तब्दील ना हो, वो हमारे लिए क्या होगी? रेलेवेंट होगी। उसको अपनी एनपीवी में डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर उसमें से कुछ खर्चा ऐसा हो जो आपको एग्जामिनर कह दे कि जी अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया तो ये आपको वापस मिल जाएगा, उसका मतलब ये संग कॉस्ट नहीं है, ये डूबी भी नहीं है। अगर मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं शुरू किया तो पैसे वापस मिल जाएंगे, इसका मतलब 20,000 रुपए का एक्सपेंस मेरे कंट्रोल में। अगर मैं प्रोजेक्ट शुरू करूंगा तो 20,000 रुपए टेक्निकली एक्सपेंस के तौर पर जाएंगे। ऐसा क्लियर हो गया बेटा? लास्ट ईयर क्या है इसका? 196। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं इस पर टैक्स पे करूं कितना? जी टैक्स 30% का, कितना? 26550। सर सारे टैक्सेस आ गए, आ गए टैक्स। अब हमने इसको कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है, तो सीधी सी बात है, ऊपर आपने जो डेप्रिसिएशन लिया बेटा, ये तो नॉन कैश है, लिया क्यों था फिर अगर नॉन कैश है? सर टैक्स निकालने के लिए लिया था। अब जब इसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है तो हम क्या करें? डेप्रिसिएशन को एड बैक कर दें भाई, वापस कर दो इस कैश फ्लो में से डेप्रिसिएशन निकला हुआ, एड बैक कर दो। अब एक काम करो मेरे बच्चों, अब आप ले लो इनिशियल आउटले, कितने का जी इनिशियल आउटले? ये जीरो है, कितने का? 5,00,000। सर एक और खर्चा होगा कब? 2 साल के एंड पे 90,000 रुपए का ओवरहॉलिंग होगी, और एंड पे आ गया हमें 1,50,000 रुपए मिल जाएंगे, एंड पे आ गया हमें 1,50,000 रुपए मिल जाएंगे। डन? हाँ नहीं, उस्मान सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट लेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बच्चे। हमदान थोड़ा सा आगे जाके एक शॉर्टकट सीखेंगे इसका, ठीक है? अब बताएं सर मेरे पास और कुछ? हाँ सर, ब्रोकरेज को हमने एडजस्ट करना है भाई, हमारे पास ब्रोकरेज आएगी ईयर जीरो पे कितने की? तो फिर आपने तो ईयर वन पे भी इसको माइनस किया हुआ है, वो एड बैक कर दो, ये एड बैक कर दो, ये एड बैक कर दो, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। डन? अब बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, खत्म कैश लोज, ये कितने हो गए टोटल? 5,20,000। फिर इधर
130 फिर फाइव नाइन फिर सेवन सेवन जीरो 400,000 214 134 और आखिरी साल 419, फिक्स्ड ओवरहेड भी तो कमिटेड कॉस्ट होती है। अच्छा देखो यार, जब तुम एक प्रोजेक्ट में पैसे डाल रहे होते हो ना और वो आपसे लिख के दे रहे कि जी फिक्स कॉस्ट ये, तो हम इसको हमेशा अज्यूम करेंगे कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, ये प्रोजेक्ट नहीं होगा तो ये खर्चा भी नहीं होगा। ठीक है जी, अगर एग्जामिनर कहे कि जी एलोकेटेड है तो हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है जी, उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। आमतौर पर फिक्स कॉस्ट अगर कंपनी का एक सिंगल प्रोजेक्ट होता है तो जनरली वो क्या होता है, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल होता है। ठीक है ना, अदरवाइज हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अगर ये शुबे में भी होता कि हम ये हमारे लिए क्या है, एक कमिटेड सॉरी एक एलोकेटेड कॉस्ट है, उसको इग्नोर कर दे डेफिनेटली। कितना आ रहा है सर लास्ट ईयर, 419,777। अब बताओ सर मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है किस रेट से, कितना मेरे बच्चों, ये 520 ही आएगा, ये मुश्किल वाला मैंने कर दिया, 104,663 फिर 168,80 क्या आपके पैसे पूरे हो रहे हैं? एनपीवी देखो, एटी वन 385 सर ये आ गया मेरा एनपीवी पॉजिटिव। डन, पक्का जी। अच्छा मैं आपको दे रहा हूँ टाइम लिखने का, अब इसको भरपूर तरीके से लिखो। पहले कहाँ से लिखना है मुझे बताओ, ये वाली वर्किंग भी नीचे ले जाता हूँ। सारी वर्किंग आप लोगों के लिए एक एक करके अलहदा कर देता हूँ। हमारे पास सबसे पहली वर्किंग है ये सेल्स की, ठीक है जी। हमारे पास ये वाली वर्किंग है वेरिएबल कॉस्ट की, हमारे पास ये वाली वर्किंग है डेप्रिसिएशन की। शाबाश सर, यहां से कॉपी करना शुरू करें तो मैं आपको नीचे सारा कॉपी करा दूंगा। शाबाश, ये क्वेश्चन बुक में बिल्कुल होगा बेटा। अगली क्लास में ना मैं आपको 15 क्वेश्चंस 15 केसेस का हैंडआउट दे दूंगा, ठीक है? हर क्लास के एंड पे पीडीएफ जो है वो पोर्टल पे लग जाती है, ठीक है? तो आप वहां से भी इसको आराम से देख सकते हो। जी हसन, शायद देखो ब्रोकरेज एक एक्सपेंस है ना हसन, तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट निकालते हुए उसको लेस करना है, ठीक है? फिर चूंकि उसको हमने एड बैक नीचे इसलिए किया कि उसकी टाइमिंग ईयर जीरो पे नहीं थी, बल्कि सॉरी ईयर वन पे नहीं थी बल्कि ईयर जीरो पे थी, ठीक है ना? तो हमने उसको एड बैक करके उसकी अप्रोप्रिएट जगह पे रिकॉर्ड कर लिया। देखो ये वो ब्रोकरेज है कि अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया तो ये आपको वापस मिल जाएगा। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट शुरू करने का खर्चा है, टेक्निकली ये पैसे मुझे वापस मिलने हैं, लेकिन अगर मैं प्रोजेक्ट शुरू करूंगा तो नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब इस प्रोजेक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट होगी नहीं।
स्मरण कर लिया, डन पक्का। अच्छा जी चलें, अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास हेडिंग डालो जनाब। ये सारी वर्किंग भी कर ली है पक्का, यू श्योर? हम आगे बढ़ जाएं, ये पीडीएफ आपको हर क्लास के एंड में मिल भी जाया करेगी, टेंशन नहीं ले, ठीक है? अच्छा अब मुझे एक चीज ये बताओ प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ। सर सर डिस्काउंटिंग टेक्निक्स बोर्ड में दिखना, मुझे एक चीज ये बताओ, अगर एग्जामिनर आपको कहता है जी हमारा एनुअल रेट है 12%, कितना जी 12%, और वो कह रहा है भैया हमारे पास जो कैश फ्लोज आएंगे वो आएंगे 4,000 रुपए पर ईयर फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना बहुत आसान है कि सर आप 4,000 रखें, अगले 4 साल तक आपको कैश फ्लोज मिलते रहे, तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई करना सर 1 माइनस 1 प्लस 12% एनुटी बना के रेस द पावर -4। -4 का क्या मतलब होता है, 4 साल या 4 एनुटीज, 4 एनुटीज, 4 एनुटीज। तो मुझे बताओ 4 साल नहीं है, 4 किस्तें, क्या था सर प्रेजेंट वैल्यू, बोर्ड पे देखना। देखो मुझे एक बात बताओ, जो कैश फ्लोज दिए हुए थे ये भी पर ईयर था और रेट भी एनुअल था, तो हमने डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया, कैश फ्लोज भी पर ईयर थे, रेट भी पर एनम था, हमने डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया, ठीक है जी। लेकिन अगर इसी केस में आपको एग्जामिनर कहे कि जी एनुअल रेट तो 12% है लेकिन जो कैश फ्लोज मिलेंगे वो मिलेंगे 2,000 रुपए पर क्वार्टर, अब बताओ सर मेरे पास कैश फ्लोज क्वार्टरली है, रेट एनुअल है, क्या करूं मैं? नहीं, अब हम छोटे नहीं रहे, अब हम बीएफडी पढ़ रहे हैं जी, हम निकालेंगे इफेक्टिव रेट, क्या निकालेंगे इफेक्टिव रेट, ये रेट पर एनम दिया हुआ है, ये रेट पर एनम दिया हुआ है, हम कैसे रेट निकालेंगे, हम निकालेंगे इफेक्टिव क्वार्टरली रेट, इफेक्टिव क्वार्टरली रेट। एक बात बताओ बैंक कंपाउंडिंग कितने पॉइंट पे करेगा हर साल, ठीक है जी, मैं निकालने जा रहा हूँ इफेक्टिव क्वार्टरली रेट। देखो यार ये इतना जरूरी है कि बीएफडी के सवालों में मंथली कैश फ्लोज भी आ रहे होते हैं, हाफ ईयरली कैश फ्लोज भी आ रहे होते हैं, तो मुझे बताओ सर कैसे निकालूं भाई 1 प्लस 12%, ये मेरा एनुअल रेट है, ऐसा रेस टू द पावर, एक साल में कितने क्वार्टर आएंगे 4, तो मैंने 1/4 कर दिया, ऐसा 1/4 कर दिया, ऐसा -1, मैंने कहा भाई 1 रुपया अगर मैं 12% पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ साल के और 4 क्वार्टर्स हैं, तो सर अगर 1 रुपया मैं वापस अपना निकाल लूँ तो बताओ मैंने इफेक्टिवली क्या कमाया, परसेंटेज टर्म्स में देखो कितना आ रही, 2.87 सर, ये है मेरा इफेक्टिव क्वार्टरली रेट। अब एक चीज बड़ी अजीब नोट करने वाली, -1 करने में मतलब ये जो 1 रुपया आपने इन्वेस्ट किया था ये आप वापस निकाल दो, ठीक है जी। अच्छा अब एक चीज और नोट करो, एक बात बताओ अगर मैं 1 रुपए को इन्वेस्ट करूं 2.87 पे, साल में 4 क्वार्टर्स हो, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा एंड पे आगे, 1 रुपए को अगर मैं इन्वेस्ट करूं सर 2.87 पर क्वार्टर के रेट पे, तो बताओ मुझे इफेक्टिवली कितने पैसे वापस मिलेंगे, 1.12, यानी सर 1 रुपया और 12 पैसे का रेट, 1 रुपया और 12 पैसे का रेट, तो इसका मतलब ये अगर 12 पैसे एनुअल रिटर्न है तो सर इसका इफेक्टिव क्वार्टरली रिटर्न कितना है 2.87। तो सर आपको जब भी इफेक्टिव क्वार्टरली रेट निकालना हो या इफेक्टिव रेट निकालना हो, 1 प्लस एनुअल रेट लेके यहां फ्रीक्वेंसी वो रख दें कि जी एक साल में 4 क्वार्टर है तो 1/4, अगर 2 हाफ ईयर है तो 1/2, सर मंथ है तो 1/12, और 1 माइनस कर दें तो आपको इफेक्टिव रेट मिल जाएगा, ऐसा।
अब बताओ सर, अगर मैं 2000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 2.87, सर अगले 4 साल तक कैश फ्लोज मिलेंगे ये, लेकिन हर क्वार्टर में मिलेंगे, तो बताओ सर मेरे पास कितने कैश फ्लोज हैं, ये कितने कैश फ्लोज हैं? 4 क्वार्टर 4 इयर्स 16, कितना जी? 25,373, ऐसा 25,373 मेरे पास कैश फ्लो आ रहा है। रेट को डायरेक्ट मंथ से क्वार्टर से डिवाइड नहीं करना बेटा, अब हम बड़े हो चुके हैं, ये काम चलाने के लिए हम कॉस्टिंग में कर लेते थे, काम चलाने के लिए बाकी जगहों पे कर देते थे, बीएफडी में नहीं करना ये, ठीक है जी। बीएफडी में हमेशा क्या निकालेंगे? इफेक्टिव रेट निकालेंगे, ठीक है जी। हम लीज के केस में तो हाँ बस वो आपने वहीं रखना था बेटा, वो नीचे लेवल पे ही सही है, ठीक है जी। इस लेवल के ऊपर आप क्या करोगे? इफेक्टिव रेट निकालोगे, ठीक है जी। ऐसे नहीं चलाओगे आप, गलत हो जाएगा नहीं तो। अच्छा जी, अब मुझे बताओ अगर मंथली कैश फ्लोज हो तो मंथली रेट निकालना हो तो सर 1 प्लस 12% रेस टू पावर 1/12 - 1 निकालो, जरा मंथली रेट क्या आ रहा है। प्रैक्टिकली यही यूज करना है बेटा आपने, वो काम चलाने के लिए यूज किया जाता था जो हम 4 से डिवाइड कर देते थे, ठीक है जी। सेट कितना रही? 0.9948%, ऐसा। अब बताओ अगर मैं आपको एक सवाल दूं जिसमें कुछ कैश फ्लोज मंथली हो, कुछ क्वार्टरली हो, कुछ एनुअल हो, हैं, मैनेज करोगे? पक्का? तो बस आइंदा के बाद याद रखना सर कि इफेक्टिव रेट हमने कैसे निकालना है, कॉपी करना है तो कर ले आप। जी मेरे बच्चों, बड़े आगे हम दो एक सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बेटा हमजा, बिल्कुल चलो आओ जी। देखिए कह रहे जनाब, उस्मान लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज अ कैब विच विल बी यूज एज अ ट्रांसपोर्टेशन मीन फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। सर हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, लोगों को बिठाएंगे, लेके घुमाते रहेंगे, ठीक है जी। परचेज कॉस्ट हमारी 4.5 लाख होगी जो साल के, जो प्रोजेक्ट के शुरू में पे करेंगे हम, ठीक है जी। प्रोजेक्ट 4 साल का। मेंटेनेंस कॉस्ट 1,20,000 रुपये हर साल के एंड में पे होगी। रोड टैक्स 15,000 रुपए हर क्वार्टर के एंड में पे होगा, ठीक है जी। ऑयल चेंज 5,000 रुपए पर मंथ पे होगा। सर ओवरहॉलिंग 30,000 रुपए सिर्फ थर्ड ईयर के एंड पे जाके होगी, ठीक है जी। लाइसेंस फी 8,000 रुपए हर 6 महीने बाद हमने पे करना। अब इस तरह के केस में जब आपको एनपीवी निकालनी पड़े, अच्छा रेवेन्यू 2.5 लाख रुपए होगा पर एनम, तो जब इस तरह के केस में आपको एनपीवी निकालना पड़े ना, तो आप एक काम करें, आप ले लिया करें सबसे पहले पर्टिकुलर्स, कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे परचेज कॉस्ट, टैक्स तो है नहीं यहाँ पे, परचेज कॉस्ट कितनी है? 4.5 लाख जेब से जाएंगे नेगेटिव। डिस्काउंट फैक्टर 1:1 क्योंकि पहले दिन ये पैसे जा रहे हैं जेब से, 4.5 लाख। फिर मेंटेनेंस
देखिए मेंटेनेंस मेरे पास आ रहा है हर साल, तो मुझे बताओ मेंटेनेंस के लिए रेट जो यहां दिया हुआ नीचे 16% पर एनम, ये भी पर एनम, ये भी पर एनम, ये भी पर एनम, तो सर क्या मैं डायरेक्ट एनुटी निकाल सकता हूं 1 माइनस 1 प्लस 16% रेस द पावर -4 डिवाइडेड बाय 16%, बताओ क्या आ रही। इधर 1,20,000 है, फैक्टर कितना आ रहा है, एनुटी फैक्टर कितना आ रहा है, ये फैक्टर कितना, इधर ऐसा रख दिया हम डिस्काउंट फैक्टर 2.798, मल्टीप्लाई करें इसको 1,20,000 से, मल्टीप्लाई करें 1,20,000 से 335781 डन, ये आगे प्रेजेंट वैल्यू, यानी आपने रेट निकालना है रेलेवेंट और फिर उसके एनुटी निकाल लेना। एक और कैश फ्लो मैं आपको करा देता हूँ, करा दूं या खुद कर रहे हो, खुद करोगे, शाबाश शुरू करो। जी मेरे बच्चों डन, हाँ हो जाएगा आराम से। अच्छा जी मुझे एक बात बताएं, मेंटेनेंस के बाद मेरे पास क्या है, रोड टैक्स, रोड टैक्स का रेट कितना जी पर क्वार्टर है, तो पहले हम निकाल लेते हैं क्वार्टरली इफेक्टिव रेट रेस टू पावर माइनस, सॉरी रेस टू पावर 1/4 ऐसा माइनस वन, क्या रहा जी इफेक्टिव रेट 3.378 यही है मेरे बच्चों, ये इफेक्टिव रेट आ गया। अब इससे एनुटी बना दो, 1 माइनस 1 प्लस 3.78, अब चार साल में क्वार्टर कितने आएंगे 16, तो मैं ले लूं रोड टैक्स कितना जी 15,000 ये आ गया मेरे पास रोड टैक्स। फिर मेरे बच्चों सर ऑयल चेंज आ रहा है हर मंथ, पहले हमें मंथली रेट निकालना पड़ेगा सर, 1 प्लस 16% रेस टू पावर 1/12 माइनस वन, कितना 1.24%, अब निकालें जी 1 माइनस 1 प्लस 1.24% माइनस, सर चार सालों में 12 महीनों के हिसाब से 48, कितना रही 36% 36 एग्जैक्ट। ऑयल चेंज, ऑयल चेंज कितने का, कैश फ्लो कितना सर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 36, ये आ गया सर। फिर ऑयल चेंज के बाद सर मेरे पास ओवरहॉलिंग 30,000 की, ये एक ही पॉइंट पे इनकर हो रही ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग कितनी है सर ओवरहॉलिंग 30,000। अब इसके लिए डिस्काउंट फैक्टर निकालना आसान है, वो कैसे जी सर 1/1 प्लस 16% एक कैश लो एनुटी नहीं है, बार बार नहीं आएगी, ठीक है जी, रेस टू पावर 3 कितना आ रहा है सर 0.641, मल्टीप्लाई करें सर उसको 30,000 से 19230 पक्का, ये 19230 पक्का जी। फिर जी सर फिर मेरे पास आ रहा है लाइसेंस फी पर 6 मंथ्स, तो पहले आप इफेक्टिव रेट निकालें सर 1 प्लस 16% रेस टू पावर 1/2 माइनस वन, कितना आप देखें यहां 8% नहीं है, 1 माइनस 1 प्लस 7.703% रेस टू पावर 1/2 सॉरी रेस टू पावर सर कितने कितने 6 महीने 8
-8 8119 पक्का सर मेरे पास ये है क्या सर लाइसेंस फीस अमाउंट सर डिस्काउंट फैक्टर सर मेरे पास 5.8119 मेरे बच्चों मेरे पास कितना अमाउंट आ रहा है 46495 लाइसेंस फी के अलावा सर मेरे पास उसके बाद रेवेन्यू है सर रेवेन्यू 2.5 लाख रुपए का पर एनम तो सर मैं 2.5 लाख रुपए के लिए एनुटी निकालू सर सर ये रेवेन्यू के लिए मैं अगर एनुटी निकालने जाऊं तो सर मेरे पास 1+ वो तो ऑलरेडी निकला हुआ अभी ना हमारे पास पर एनम वाला ये रहा सर 2.25 लाख सर 2.798 मल्टीप्लाई करो 699 आप बताएं सर क्या हमारी एनपीवी पॉजिटिव है कितना आ रहा है 509 नेगेटिव सर इसका मतलब है गाड़ी ना लें बट्टी पाए ऐसा पक्का जी इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया अब आइंदा के बाद सर हम कभी भी डिवाइड बाय 4 वाला सीन नहीं करेंगे क्लियर ये बड़े एक स्टेप आगे हम जनाब जाएं एक स्टेप ये कॉपी करना है तो कर लो मैं रुक जाऊं कॉपी करना है मेरे बच्चों हाँ या ना मैं जवाब दे दो ऑनलाइन वालों हसन शायद ने कॉपी करना कर लिया चलो जल्दी जल्दी हसन यार एक मिनट ले लो जल्दी कॉपी कर लो शाबाश बड़े मेरे बच्चों आगे अच्छा मैं क्लास के एंड पे एक होमवर्क दे के जाऊंगा आपके पास अगर टाइम हो बहुत मसरूफ इंसान है आजकल आप लोग तमाम लोग लेकिन आपके पास सर अगर थोड़ा टाइम निकले ना वो 10-15 मिनट का सवाल है वो देख लीजिएगा ठीक है जी बड़े आगे पक्का जी सर अपने पास हेडिंग डालोगे जनाब Diminishing balance method of depreciation. सर इस पर जरा हमने डिस्कशन करनी है ताकि हमारी आगे की जिंदगी आसान रहे देखो जब भी आपको एग्जाम में वो कहे ना कि जी टैक्स कैलकुलेट करना है टैक्स रेट दिया हुआ तो आपको डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा ताकि आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें और अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड में सर आपका डेप्रिसिएशन है तो फिर ये कैलकुलेट करने के लिए ना आपको मैं शॉर्टकट सिखा देता हूँ ताकि आप आइंदा के बाद वही काम करें देखिए एक एसेट मैंने लिया एग्जामिनर ने कहा जी इसकी लाइफ 4 साल है ठीक है जी एसेट की कॉस्ट है 5 लाख रुपए ठीक है जी 5 लाख रुपए कॉस्ट है एसेट का डेप्रिसिएशन का रेट है 20% डिमिनिशिंग बैलेंस 20% डिमिनिशिंग बैलेंस ठीक है जी तो मुझे एक बात बताएं मैं अगर डेप्रिसिएशन निकालने जाऊं तो मेरा पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा सर 5 लाख का 20% दैट इज 1 लाख सीधी सी बात है सर जब 1 लाख का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा तो अगली दफा के लिए जो बेस बचेगी वो 4 लाख की बचेगी जिसपे मैंने डेप्रिसिएशन लगाना ठीक है जी यानी बेस हर साल रिड्यूस होती जाएगी 20% रेट से तो मुझे बताओ अगर मैं अगले साल 5 लाख माइनस 1 लाख पे 20% लगाऊं तो 4 लाख का 20% कितना होगा 80,000 तो भाई मैं एक आसान काम ना कर लूं कि मैं जब पहले साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है तो मैं दूसरे साल का डेप्रिसिएशन बड़े आराम से निकाल सकता हूं क्यों हर साल बेस जिसपे मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूं वो 20% नीचे आ रही है तो डेप्रिसिएशन भी 20% नीचे आ जाएगा ना
तो बताओ अगले साल का डेडक्शन कितना रह जाएगा, 80%। ऐसा तो मैंने क्या किया, 1,80,000 ले लिया। अब बताएं अगले साल का डेडक्शन इसका 80% रह जाएगा कितना, और लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इसका 80% रह जाएगा 51। अब बताओ सर, गौर से सुनना, एग्जामिनर ने आपसे कहा कि जी 4 साल बाद इस एसेट को हम 80,000 रुपए में बेच देंगे, इस एसेट को हम 80,000 रुपए में बेच देंगे, 80,000 रुपए में डिस्पोज हो जाएगा, ये आपको एग्जामिनर ने बताया। तो मुझे एक बात बताओ सर, जब मैं एसेट को बेचूंगा तो उस वक्त इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी, बुक वैल्यू सर इस एसेट की कॉस्ट है कितने की, 5 लाख। सर मुझे एक बात बताएं, इस पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 सालों में कितना बुक हुआ है, 1,80,000, 64,000, 51,200, इन सबको एडअप करो सर, 2,95,200। सर बताएं मेरे पास कितनी कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू बची, 2,04,800। सर फिर मुझे आखिरी साल में जब मैंने उसको डिस्पोज किया तो कितने पे डिस्पोज किया, 80,000 रुपए में। सर 2,04,800 रुपए की चीज 80,000 में आपने डिस्पोज की तो आपको लॉस हो गया कितने का, 1,24,800 रुपए का, ये है लॉस ऑन डिस्पोजल। भाई मैं पेपर में कभी भी लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये बहुत लंबा मेथड है, ये क्या है जनाब, बहुत लंबा मेथड है। तो बताएं सर शॉर्टकट क्या है फिर इसका, शॉर्टकट क्या है सर इसका, ये आप कह रहे हैं लंबा मेथड है तो एग्जामिनर मान लेगा, हाँ बिल्कुल मानेगा भाई, पूरी दुनिया में ACCA ICAEW में ये मेथड चलता है जो तुम्हें करवाने वाला हूं, ठीक है जी। ये मेथड क्या है सर, शॉर्टकट क्या है सर, शॉर्टकट ये कि सर मेरे पास ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 बताएं मेरे पास सर डेप्रिसिएशन कितने का, पहले साल 1,00,000, दूसरे साल इसका 80%, 80,000, फिर इसका 80%, 64,000, चौथे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट मत करो, रुक जाओ रुक जाओ, अपने आप से पूछो आपने एसेट खरीदा कितने का है, जवाब आएगा जी आपने एसेट खरीदा 5,00,000 का। फिर अपने आप से पूछो ये एंड में बिकेगा कितने का, इसकी रेजल वैल्यू कितनी होगी एंड में, तो जवाब आएगा जी 80,000 रुपए। तो इसका मतलब ये ओवर द पीरियड इस एसेट की वैल्यू में जो डिक्लाइन आया है वो कितने का है, वो है 4,20,000 रुपए का। कितने का डिक्लाइन आया, 4,20,000 रुपए का। भजन आपने उसमें से 1,00,000 रुपए पहले साल क्लेम कर लिए, हाँ। 80,000 रुपए दूसरे साल क्लेम कर लिए, हाँ। सर आपने 64,000 रुपए तीसरे साल भी क्लेम कर लिए, चौथे साल में आपको डेप्रिसिएशन प्लस लॉस ऑन डिस्पोजल मिला के कितने रुपए का डिडक्शन मिलना चाहिए, मुझे टोटल 4,20,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए। तो बताओ मैं अब तक कितने का डिडक्शन ले चुका हूं, 1,80,000 प्लस 64,000, 2,44,000। तो बताओ लास्ट ईयर का बैलेंस कितना है, बैलेंसिंग चार्ज 170। यार आप ये भी देख लो, आप इन दोनों को भी ऐड करोगे ना, ये लॉस है, लॉस ऑन डिस्पोजल, आखिरी साल में इन दोनों को ऐड करो, ये भी 176 ही बनेंगे। तो सर मैं काम आसान ना करूं, मैं डे वन पे ही देख लूं कि मेरा एसेट है कितने का, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसमें से रेजल वैल्यू माइनस कर लूं तो मुझे टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और इस टोटल डेप्रिसिएशन को मैं क्या करूं, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल और चौथे साल में क्या ले लूं, बैलेंसिंग फिगर, ऐसा इससे मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। सर मुझे डेप्रिसिएशन की लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं करना पड़ेगी, डेप्रिसिएशन की लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं करना पड़ेगी। सर ये कॉपी कर लें सर, शाबाश। बड़े मेरे बच्चों आगे,
सर एक छोटा सा सवाल है, करके देना आपने मुझे। बड़े बेटा आ गए हम ऑनलाइन वालों, आगे बढ़ जाएं, ऑनलाइन वालों आगे बढ़ जाएं, या कॉपी कर रहे हो? पक्का? चलो मेरे बच्चों, ये सवाल है आपके सामने, शुरू हो जाओ जी। दो मिनट का सवाल है हार्डली, 2 से 3 मिनट। शाबाश। चलो जी, टैक्स रेट इसमें 30% था, मिसिंग था, वो डाल दो इसके अंदर। बेटा बार बार मुझे बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त पेट में हड़ताल लगी हुई है, ठीक है, तबीयत मेरी अभी तक सही नहीं हुई है। चलो खैर, सर ये कह रहे जनाब, उस्मान लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज वुड बी इनिशियल आउटले 1.8 मिलियन और नेट इनफ्लोज मेरे पास होंगे ये 4। नेट इनफ्लोज का मतलब ऑलरेडी उस बंदे ने आपको कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज नेट करके दे दिए, ठीक है जी। तो मैं ले रहा हूं सर 0, 1, 2, 3 और 4। सर मेरे पास सबसे पहले टैक्स निकालना है मैंने, तो इनफ्लोज 875,000, सर 9,80,000, सर 1,020,000 और 6,50,000। सर मैं इसमें ले रहा हूं डेप्रिसिएशन कितने का जी? सर मैंने 1,01.8 मिलियन रुपए का एसेट खरीदा है, 1.8 मिलियन का 25%, 4.5 लाख, फिर इसका 75%, 337, फिर इसका 75%, 253। अब बस यहां रुक जाओ। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस एसेट को खरीदा था कितने का? 18 लाख का। इस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 इयर्स कितनी है? 5 लाख। तो इस एसेट ने घिसना कितना है, इस एसेट ने खत्म कितना होना है, इस एसेट ने डिमिनिश कितना होना है? 13 लाख। अब अपने आप से पूछो, तुम पिछले 3 सालों में 13 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो? अगर जवाब आता है नहीं, तो इसका मतलब है फिर लास्ट ईयर में आपने क्या करना है, बैलेंसिंग चार्ज कैलकुलेट करना है, कितना है वो? 3 सालों की डेप्रिसिएशन ऐड करो और चेक करो, 13 लाख से कंपेयर करो, तो बताओ लास्ट ईयर का बैलेंसिंग चार्ज कितना है? 259। क्या ये चारों मिला के 13 लाख के बराबर बन रहा है? यस सर। अब बताएं सर मेरे पास और कुछ है? नहीं सर। वे काम करें सर, इससे निकाल लें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सर 4 लाख, फिर 3,906। अब बताओ मेरे बच्चों, इस पर हमने लगाना है टैक्स कितना? 127, फिर 230, और लास्ट ईयर सर ऐसा। अब बताओ सर, जब अपना काम पूरा तो डेप्रिसिएशन को हम ऐड बैक कर देते, साढ़े 4 लाख इधर ऐड हो रहा है, 337,500 इधर ऐड हो रहा है, 253,125 यहाँ ऐड हो रहा है, और 259,375 यहाँ ऐड हो रहा है। अब बताएं सर, आप कैपिटल कैश फ्लोज ले लें, इनिशियल आउटले कितना? 18 लाख। एंड पे 5 लाख। अब बताओ मेरे बच्चों, 18 लाख जी। सर जो लास्ट में हमने डेप्रिसिएशन का डिफरेंस मेथड किया है, उसकी वजह क्या है? देखो उस्मान, लास्ट ईयर में तुम लॉस ऑन डिस्पोजल और लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट करो या मिला के कैलकुलेट कर लो, बात एक ही है, ठीक है जी। लास्ट ईयर तुम नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन बुक करते तो एंड में आता लॉस ऑन डिस्पोजल, हमने उसका शॉर्टकट निकाल लिया कि आइंदा के बाद हम लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं निकालेंगे, आखिरी साल के डेप्रिसिएशन को इतना बढ़ा देंगे कि उसमें लॉस शामिल हो जाएगा। यानी सर मैंने एसेट खरीदा कितने का? 18 लाख का, 5 लाख का एंड में बेचा है, तो ये एसेट टोटल 13 लाख रुपए की डिडक्शन देके जाएगा।
अगर शुरू के सालों में डिडक्शन कम है, यानी सर डेबिशन की डिडक्शन कम है, तो एंड में आपको लॉस ऑन डिस्पोजल नाम का डिडक्शन मिलेगा। तो सर आप आखिरी साल बैलेंसिंग चार्ज ले लें, नेट कर दी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा भाई, ये पूरी दुनिया में रिवाज है कि आखिरी साल जो है वो एग्जामिनर लिख के देता है कि बैलेंसिंग चार्ज निकालो, ठीक है जी। तो ये आपके एग्जाम में भी आपने इसी तरह अप्लाई करना है, ठीक है जी। अब बताएं सर ये कितना आ रहा है मेरे पास? 747 787 250 938। सही कह रहे हैं लड़का? हाँ सर सही कह रहा होगा। अच्छा वो दोनों नीचे आ रहे थे, डिस्काउंट रेट ले लें 10% का। वो दोनों इन्फॉर्मेशन ना नीचे आ रही थी जी। और सर सेकंड ईयर में 650 619। फिर ये लास्ट ईयर 705425 पक्का एनपीवी किधरी? पक्का ऐसा है मेरे बच्चों? क्लियर हो गया पक्का? बड़े एक स्टेप आ गया, ये कॉपी कर लें सर, एक मिनट है आपके पास, वन मिनट। बड़े सर आगे हम बढ़ जाए बेटा, कर लिया कॉपी? अच्छा जी सर, हमने बेसिक देख लिया डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब, हमने बेसिक देख लिया सर एनपीवी का हिसाब किताब। एक स्टेप हम आगे जा रहे हैं जनाब। सर अपने पास हेडिंग डालोगे जनाब टाइप्स ऑफ इनिशियल आउटले। हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ इनिशियल आउटले। सर इनिशियल आउटले कितनी तरह का हो सकता है, ठीक है जी। देखो इनिशियल आउटले में जनरली हम क्या करते हैं, कोई एसेट परचेज करते हैं, ऐसा जनरली हम क्या करते हैं, कोई एसेट यानी पीपीएम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। गौर से सुनना सर, नॉट ऑलरेडी हेल्ड। एक प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं उसके लिए एक एसेट चाहिए, हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे, खरीदेंगे हम, ठीक है जी। ऑलरेडी हेल्ड, अगर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, मिसाल के तौर पर एआरटीटी ने सोचा है ऐसी जगह कॉलेज खोलते हैं, तो हमने कहा हमारे पास तो जगह है ही नहीं, तो भाई एक नई बिल्डिंग ले लेंगे, खरीदेंगे, ठीक है जी। अच्छा जब नॉट ऑलरेडी हेल्ड है ना, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो हम ये एसेट रेंट पे लेंगे, ऑन रेंट लेंगे, या हम ये परचेज करेंगे। सर अगर ऑलरेडी हेल्ड है एसेट हमारे पास, तो वो एसेट दो टाइप का हो सकता है, या तो वो आइडल होगा या वो अर्निंग एसेट होगा, कमा के दे रहा होगा या वो आइडल पड़ा होगा। ये चार केसेस है सर, हमने इसको डिटेल में देखा है, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ सर, मुझे एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर मैंने एक हॉस्पिटल खोलना है, हॉस्पिटल खोलने के लिए हमें जगह चाहिए, इनिशियल आउटले यानी बिल्डिंग चाहिए हमें, बिल्डिंग सर नहीं है हमारे पास। दो ऑप्शन है, किराए पे ले लो या फिर क्या करो, खरीद लो। अगर खरीदोगे तो जेब से जो पैसे जाएंगे जो परचेज प्राइस होगी वो हमारा इनिशियल आउटले बन जाए, डन। और अगर आप रेंट पे लोगे तो फिर सर याद रखिएगा कि आपका रेंट हर साल आएगा, इनिशियल आउटले ईयर जीरो पे नहीं आएगा सर, रेंट एवरी ईयर ये आपके इनिशियल आउटले में आ जाएगा, डन। अगर सर मेरे पास एक एसेट है जो ऑलरेडी मौजूद है, हमने कहा भाई हमारे पास एक प्लांट मौजूद है, मिसाल के तौर पर आपने कहा सर एक प्रोडक्ट बनानी है, सर
प्रोडक्ट क्या बनानी है सर, मिसाल के तौर पर सर ये कप के सॉसर बनाने, ये बनाने। अच्छा, हमने कहा यार हमारे पास इसके लिए एक मशीन ऑलरेडी पड़ी हुई है, हम यूज कर सकते हैं। आपने कहा कहाँ है वो मशीन? मैंने कहा वो फारिग पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं है। अच्छा, हम इसको बेचने वाले थे, आपने कह दिया तो हम एक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, इसको हम क्या करने वाले थे? बेचने वाले थे। तो मुझे बताओ, अगर एक ऐसी मशीन जो आइडल पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं है, किसी प्रोजेक्ट पे काम आ जाए, तो इनिशियल आउटले में क्या लेंगे, उसकी करंट मार्केट वैल्यू या उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू? यानी सर, अगर मैं इस पर्टिकुलर मशीन को, फारेग मशीन को मार्केट में बेचता, क्या पैसे मिलते? वो मैं ले लूंगा एज इनिशियल आउटले, ठीक है ना। देखो, बेचने का मूड ना भी हो ना, तब भी उसकी एक वर्थ है। प्रोजेक्ट में जाएगा तो वो वर्थ नहीं मिलेगी हमें, हम उसकी एनआरबी नहीं है, ये ज्यूम कर लो ना, जीरो ले लेना, ठीक है ना। धन जी, अब बताएं सर, व्हाट इफ कोई कमाने वाला एसेट हो, अर्निंग एसेट हो? मिसाल के तौर पर आरडीडी ने सोचा एक हॉस्पिटल खोलते हैं। हमने कहा हॉस्पिटल के लिए तो जगह जगह, यार एक काम करो, आरडीडी कॉलेज ही है। ओ भाई, फिर कॉलेज बंद करना पड़ेगा। हाँ, बंद कर देते, इधर खोल लेते हैं एक हॉस्पिटल, ज्यादा अच्छा धंधा है। तो मुझे एक बात बताओ सर, जो कमा के दे रहा है, वो जो कमा के दे रहा है सर, वो क्या बन जाएगी? हमारी कॉस्ट बन जाएगी सर। जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन हम कमा रहे हैं हर साल, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन अर्नड बाय दिस एसेट एवरी ईयर, जो ये एसेट कमा के दे रहा है, वो आपका अब आना बंद हो जाएगा। आपने इनिशियल आउटले में इस चीज को ले लेना। देखो, आइडल वाले केस में उसकी कॉस्ट नहीं लेनी है ना हमने, ठीक है जी। एक मशीन आइडल पड़ी है, मैं सोच रहा हूँ उसको बेच दूं 5 लाख में। अगर प्रोजेक्ट शुरू करूंगा और ये मशीन उस पर लगा दे, तो 5 लाख रुपए जो कैश, हार्ड कैश मिलने वाले थे, वो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। कॉस्ट नहीं लेनी है आपने। देखो, आसान कर देते हैं इसको। मैंने उसको पढ़ाई रखना है, इसका मतलब मैंने बेचना ही नहीं, इसका मतलब उसकी एनआरवी जीरो है, तो आप इस पे जीरो ही ले लेना। लेकिन अगर सर उसकी मार्केट वैल्यू, और मैं प्रूडेंट इंसान हूं, उसको वैसे नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं सोचूंगा। अच्छा, हम बीएफडी में ये नहीं सोचते मेरे अब्बा की निशानी है, मैं इसको नहीं बेचूंगा, ठीक है जी। ये मेरी खाला की निशानी है, इसी बिस्तर पर खाला मरी थी, ये वाला मैं नहीं बेचूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। हम अज्यूम करेंगे कि अगर इसके कुछ पैसे मिल रहे हैं तो हम इसको बेचेंगे, ठीक है जी। बेचेंगे तो सर उसकी क्या है, वो एनआरवी, एनआरवी लेंगे हम। धन जी, बड़े आगे दोस्त, हम बढ़ जाए, कॉपी कर लिया, कर लो कॉपी, शाबाश। हाँ, सही है। नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन टाइम बेस्ड होती है, आउटपुट बेस्ड नहीं है, तो हम नहीं करेंगे ना कंसीडर। अगर वो कहता है कि पर यूनिट इसकी वैल्यू इतनी गिर रही है, तो फिर ले, फिर ले। जी जनाब, बड़े हम आगे दोस्त, कर लिया कॉपी, शाबाश। हमारे पास है 8-10 मिनट अभी और है, शाबाश, कर लिया कॉपी मेरे बच्चों। नो सर, कर लो, कर लो, शाबाश, कर लो। अच्छा भाई, कल हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे, पहले से बता रहा हूँ, ठीक है जी। कल और परसों की क्लास के बाद मैं 1-2 घंटे की रिकॉर्डिंग भी डालूंगा, उसमें 2 पास्ट पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं, वो रिकॉर्डिंग भी डाल दिया करूंगा, ठीक है जी। हर हफ्ते कोशिश करूंगा कि मैं एक रिकॉर्डिंग जो है वो आपके लिए डालूं, जिसमें पास्ट पेपर का या कोई अच्छा तगड़ा सवाल होगा, वो जब आपके पास टाइम हो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। धन्य जी, अच्छा जी, हमारे पास रह गए कुछ 6-7 मिनट, अगला टॉपिक मैं खोलूंगा तो फिर उसके आगे बात जाएगी, तो हम यहाँ अपनी क्लास ऑफ कर देते हैं, कल इंशाल्लाह यहाँ से देखते हैं, ठीक है जी, पक्का जी।
एनआरवी हर अटेम्प में, एनपीयू हर अटेम्प में टेस्ट होती है? हाँ बिल्कुल, एनआरवी हर अटेम्प्ट में पेपर में पूछता है, बिल्कुल पूछता है बेटा, 100% पूछता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।